की योस्क बैंक संचालन ने की थी गब्बर सिंह कुशवाहा की हत्या। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र में हुई गब्बर सिंह कुशवाहा की हत्या का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक कियोस्क बैंक के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पैसों के लेन देन को लेकर गब्बर सिंह कुशवाहा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। परिजनों ने थाने के सामने किया था चक्काजाम। जानकारी के अनुसार गब्बर सिंह कुशवाहा निवासी निजामपुर मगरोनी 30 मई 2024 को अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने 31 मई को पुलिस थाने में गब्बर सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी दौरान नरवर थाना पुलिस को गब्बर सिंह नरवर में बिजली घर के पीछे मोहिनी डैम की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसने इलाज के दौरान ग्वालियर में दम तोड़ दिया था। गब्बर सिंह मौत के बाद परिजनों ने नरवर थाने पर शव रखकर प्रदर्शन कर हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। ऑनलाइन गेम में पैसे हारने की वजह से की हत्या। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मृतक गब्बर सिंह कुशवाहा के मोबाइल नंबर की CDR बैंक खाते की लेन देन की जानकारी प्राप्त की तथा गवाहों के कथन, CDR रिपोर्ट के अवलोकन एवं मृतक गब्बर सिंह के बैंक खाते में घायल अवस्था में भी ऑनलाइन फोन पे के द्वारा हुए लेन देन की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर संपूर्ण जाँच पर आए भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर दशरथ उर्फ छोटा कुशवाहा पुत्र बादाम सिंह कुशवाहा निवासी वार्ड क्रमांक 1 निजामपुर चौकी मगरोनी थाना नरवर को संदेह के आधार पर पूछताछ की, जिस पर दशरथ ने जुर्म करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वह ऑनलाइन फिनो बैंक पर आधार ID से रुपए लेन देन का काम करता है, जो ऑनलाइन BC विलैया गेम में वह 1.5 लाख रुपए करीब हार गया। इससे उसके ऑनलाइन रुपए लेन देन का काम खराब हो गया था, तो उसने पड़ोसी गब्बर सिंह कुशवाहा से दिनांक 29/5/2024 को अपने खाते में 1 लाख रुपए डलाने को कहा, तो गब्बर कुशवाहा ने अपने मोबाइल दशरथ को दे दिया। तो दशरथ कुशवाहा ने अपने मोबाइल पर गब्बर कुशवाहा के मोबाइल से 1 लाख रुपए फ़ोनपे किए। तभी दशरथ ने मोबाइल का पासवर्ड और फ़ोनपे का पासवर्ड देख लिया था। अगले दिन गब्बर कुशवाहा ने जब अपने रुपए मांगे तो दशरथ कुशवाहा ने उसे नरवर बैंक से पैसे निकाल कर देने को कहकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर लाया। फिर लोढ़ी वाले सिंध नदी पुल पर गब्बर सिंह को गाड़ी चलाने के लिए दे दी और स्वयं पीछे बैठ गया। फिर नरवर बिजली घर के पास आकर दशरथ ने कहा कि पहले मेरी ससुराल मोहनी गांव चलते हैं, फिर बैंक चलोगे। गब्बर सिंह कुशवाहा ने मोटरसाइकिल बिजली घर के पीछे वाले कच्चे रास्ते मोहनी वाली रास्ता पर मोड़ दी और लेकर आया। जैसे ही कचरा घर के आगे कच्चे रास्ते पे दखनी बबूल की झाड़ियों के पास मोटरसाइकिल पहुंची, तो दशरथ ने पेशाब करने के बहाने लेकर मोटरसाइकिल रुकवा ली और कचरा घर के पास एक बांस का डंडा उठाया और पीछे से गब्बर कुशवाहा के सिर पर बाईं आँख के पास कनपट्टी पर प्राण घातक हमला किया, जिससे गब्बर मोटरसाइकिल सहित जमीन पर गिर पड़ा और दशरथ ने 1-2 डंडा उसी तरफ कनपट्टी पे मारे। फिर गब्बर को मरा समझकर छोड़कर भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक बांस का मोटा डंडा तथा मृतक गब्बर कुशवाहा का मोबाइल जब्त किया एवं आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया। अंधे कथ का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर उप जेल करैरा दाखिल किया गया।